नर्मदे हर। हे भूतनाथ, करता हूँ गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदिश न मिले। कि हे भूतनाथ, करता हूँ गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदिश न मिले। जन्म मिले हिंदू जैसे पावन धर्म में, वरना जिंदगी ना मिले, वरना जिंदगी ना मिले। सूरज ढल रहा था, शाम हो चली थी, और देखते ही देखते नीलगाय, मोर, कबूतर, तोते और अन्य भी कई पंछियों का यहाँ तांता लग गया था। हम देखते रह गए और मनोहर भाऊ उन सभी पंछियों को, नीलगाय को दाना देने के लिए, चारा देने के लिए निकल पड़े। और इस प्रकृति को देखकर, इस सौंदर्य को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और तब चार लाइन आती है कि क्यों न सहेज कर रख ले इस प्रकृति को, कि क्यों न सहेज कर रख ले इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। मुझसे भी रहा न गया, मैं भी मनोहर भाऊ के पास चला गया। देखा तो मनोहर भाऊ एक नील गाय को बेटा बेटा कहकर पुकार रहे थे और उसे बड़े प्यार से दाना खिला रहे थे। मुझे भी अच्छा लगा। मैंने मनोहर भाऊ से पूछा कि मनोहर भाऊ, क्या मैं भी खिला सकता हूँ इन्हें दाना? क्या ये मेरे हाथ से भी दाना खाएंगे? तो मनोहर भाऊ ने कहा कि बिल्कुल लीजिए। और फिर मैंने वह पतीला अपने हाथ में ले लिया और सच में वह नीलगाय मेरे हाथों से भी दाना खाने लगी। यह एक अलग अनुभव था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। जब दोपहर में हमें नीलगाय दिखी थी तो तब हमें उस नीलगाय का फोटो खींचने का बड़ा मन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ देखा तो यहाँ नीलगाय हमारे हाथों से दाना खा रही है। हमने यह क्षण, हमने यह पल अपने दिल में संजो कर रख लिया। कविता भी आ गई। कविता ने भी अपने हाथों से उस नीलगाय को खाना खिलाया। और मैं यहाँ पर आई और देखा कि आसपास में बहुत सारी नीलगाय खड़ी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही नीलगाय जो थी वो हमारे पास आई और उसने खाना खाया, क्योंकि उसने डेयरिंग की। कहा जाता है कि जो इंसान डेयरिंग करता है उसे ही सब कुछ मिलता है, यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि तो बाकी जो थे तो सिर्फ देखते ही खड़े रह गए थे, और अब मुझे ऐसे लगा कि शायद उसका पेट भर गया। मैंने मनोहर भाऊ को बोला, शायद मनोहर भाऊ इसका पेट भर गया। फिर हम लोग दूसरे भी एक गाय थी नील गाय, उसकी तरफ मैं बढ़ चली, और चलते चलते मैं जब उसके पास पहुंची तो ये जो दूसरी नील गाय थी वह भी मेरे पीछे पीछे थोड़ी आने लग गई थी। मैं जब तक वो वाली गाय के पास पहुंची और मैं उसे खाना खिलाने लगी तो वह मेरे हाथ से खाना लेने लग गई, और बाकी के जो थे वो भी देखने लगे कि क्या दे रही हूँ मैं। लेकिन वो लोग कोई आए नहीं, और जिसको मैं पहले खाना खिला चुकी थी वो थोड़ा करके करके मेरे पास में आने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसको पता था कि मैंने जो खिलाया ना वो दाना था और वो उसे भी पसंद आ रहा था। लेकिन वो सोच रही थी कि ठीक है, मैंने तो काफ़ी सा खा लिया, अब मेरे जो दोस्त हैं उनको भी थोड़ा बहुत खाने को मिलना चाहिए। वो हिसाब से वो बाजू में ही खड़े रह गए और उसके जो भी साथीदार थे उनको वो खाना खाने देने लग गए, और वो भी अच्छे से खाना खाने लग गए। फिर थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही खड़ी रही कि देखती हूँ अभी और कोई खाएगा तो, लेकिन अभी उनका मन भर चुका था। फिर पहले वाले ही इसके पास मैं वापस गई तो वो वापस से खाना खाने लग गई। उसको मैंने थोड़ा सा और खाना खिलाया, और फिर ऐसा करते करते हम लोग आगे आगे उसको खाना खिलाते खड़े रह गए। वो भी खुशी खुशी खाना खा रही थी। ये देखिए, बाकी के जो भी गाय थी वो सब दूर से देख रही थी, सिर्फ एक पहले वाली एक और बाद में से दूसरी वाली, ये दो ही लोगों ने हम लोगों से अच्छे से खाना लिया और खाना खाया। यह सब सुंदर प्रकृति देखकर मुझे जब चार लाइन याद आती है, खूबसूरत सी प्रकृति पशु बने इंसान, खूबसूरत सी प्रकृति पशु बने इंसान, मर रहा भविष्य जानवर बन गए इंसान।
यहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में मोर है, नीलगाय है, बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में, और मिट्टू, सब इतने सारे जानवर आ रहे हैं और इतने पंछी आ रहे हैं कि दिल देख के खुश हो जा रहा है। हम अनायास ही यहाँ पर रुक गए थे। हाँ हाँ, आई आई, रुकने के बाद में हमने जब इतने देखे ऊपर से बगले वगैरह, इतना सुंदर नज़ारा है कि हमने यह नज़ारा कभी नहीं देखा था। ये नागा बाबा का धुनी है। चलो आ जाओ, बजरंग बली, और उधर बजरंग बली का मंदिर है, आराम से चलो। ये हनुमान जी के मंदिर में धुनी दे रहे हैं। अभी हनुमान, अभी आरती की तैयारी हो रही है, तो गुरु जी ने बताया कि सब को धुनी दे दीजिए। अभी धुनी दे चुके हैं, अभी हम मंदिर जाएंगे और आरती करेंगे। ले लो अंदर, दे दो उनको वापस। अच्छा, बजता नहीं मेरे से बरोबर, बताऊंगा तो बजा के ट्राई करती हूँ। छोटा बेटा तो बजा लेता है अच्छे से। एक नंदी भगवान के आगे, एक यहाँ पर जंगली पर, और एक समाधि पे, एक समाधि पे। हाथ रखो उस पर, देखो दिया बड़ा मजा आएगा। इधर इधर समाधि पे, चालू है क्या दिया? ठीक है, हवा होती है ना। अच्छा, thank you.
इसको एक जग में इसको एक जग में निकाल देंगे सामान हरी मिर्च भूतनाथ के ऊपर आए हैं हम लोग भूतनाथ महादेव और यहाँ पर भोजनशाला में भोजन बना रहे खाना बना रहे बड़ी सब लोग मिल के आज भूतनाथ के मेहमान हैं सब लोग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अभी हमने कल रात में भूतनाथ महादेव स्थान पर ही निवास कर लिया था, यहीं पर आराम किया था। अभी हम सब लोग फ्रेश हो चुके हैं और अब आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। देखिए यहाँ का सुंदर दृश्य, यहाँ पर नीलगाय बहुतायत में पाई जाती है जिसे रोही कहा जाता है मराठी के अंदर, और मोर बहुत है यहाँ पर। आप देखिए कि आपको मोर दिखाई देंगे, ये देखिए मोर यहाँ पर ऊपर आ चुका है। आओ गौरी, ओ गौरी है, चिल्लाओ नहीं गौरी, आ गई। सुभाष जवान टाइम थी क्यों नौकरी नो, एक काम करनी खाली 4-5 पूरा उतर तो जाने नाख्या पछे है डाल दिया। संपत इधर पी लो, चाय गर्म हो जाएगी, बनाई थी ना बापू। हाँ तो आपके पास आके खाएगा, हाथ में खाएगा, आपके पास में आके खाएगा। सतनाम सतनाम
इधर इधर देखो सतनाम, बजो बेटा सतनाम, यही बड़ा हुआ नहीं? हाँ हाँ, बहुत गिरी को था बापू, इतनी छोटी। और वो गाने का बिया भी जो निकाले ना, एक एक बिया वो खा जाता, गांजा अपना ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हाँ, बिया खा जाएगा। अच्छा है, मेरे को एक और है ना इसके साथ में, दो दो है, सरस्वती है, दो है। इसका नाम सतनाम, एक सरस्वती, एक सरस्वती। इधर नाम, इधर ये तो लड़का, आप दाना नहीं दीजिएगा ना तो उठ करके आपको अंदर आवाज देगा। सतनाम इधर देखो, सतनाम हाँ बेटा, सतनाम सतनाम आओ आओ, अच्छा लगता है देख, आओ सतनाम इधर इधर सतनाम। और इस प्रकार हमारा यह जो दिन था बड़ा यादगार बीता। और फिर सुबह हम चाय कॉफ़ी लेकर आगे भरूच के लिए निकल पड़े और हमारी परिक्रमा हमने फिर से शुरू कर दी। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कॉल करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नर्मदे हर।